नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। दोस्तों, क्या 2024 में जो आठवां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है उसका लाभ ग्राम पंचायत सहायक बीसी सखी और मनरेगा मित्र और रोजगार सेवकों को भी मिलेगा? इस चीज में क्या ग्राम प्रधान को भी फायदा होने जा रहा है? इस चीज की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यकीनन 8th पे कमीशन कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी, सभी संविदाकर्मी बीसी सखी मनरेगा मित्र और पंचायत सहायक को भी मिलेगा फायदा, इस चीज़ को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आठवां वेतन आयोग के द्वारा सरकार सीधे तौर पर सभी कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने जा रही है। अब आपको कितना महंगाई भत्ता मिलेगा और कितना आपको एरियर मिलेगा, इस चीज़ को भी जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, 2024 में सभी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ डीए यानी कि महंगाई भत्ता और आठवें वेतन आयोग का एरियर भी मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी आठवें वेतन आयोग के द्वारा आपकी सैलरी यानी आपका मानदेय भी बढ़ा सकती है, उसके साथ साथ ही आपको महंगाई भत्ता भी मिल सकता है। अगर हम डिटेल में जाने तो आठवें वेतन आयोग को लेके बहुत बड़ा अपडेट सरकार ने जारी किया है। कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्या संविदा कर्मियों को इस चीज़ का लाभ मिलेगा, इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बीसी सखी जो भी बहनें हैं जिनको 6 महीने तक 4,000 रुपये हर महीने दिया जाता था और पंचायत सहायक जिनको 6,000 रुपये का मानदेय हर महीने दिया जाता है, ग्राम पंचायत सचिवालय में बैठकर समस्त गाँव के निवासियों का एक एक काम ग्राम पंचायत सहायक के द्वारा किया जाता है, चाहे वो आय प्रमाण पत्र, निवास, जाति प्रमाण पत्र या फिर श्रम कार्ड बनाना क्यों ना हो। तो आने वाले समय में आठवीं वेतन आयोग लगने से ज़्यादातर लोगों को ही नहीं बल्कि सभी संविदा कर्मियों को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है लेकिन आपका मानदेय वहीं पर है। अगर आप इसकी मांग सरकार से करेंगे तो यकीनन आपको लाभ जरूर मिलेगा। आठवें वेतन आयोग को लेकर आपकी सैलरी यकीनन बढ़ेगी, सभी संविदा कर्मियों को बहुत कुछ लाभ भी मिलेगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार समस्त ग्राम पंचायत सहायक बीसी सखी और मनरेगा मित्र को एक अलग से ट्रेनिंग देगी और उसके बाद भी आपकी सैलरी बढ़ाने के लगभग चांसेस तो बनते हैं। जहाँ मैंने रिसर्च और मैंने पता किया है, इस चीज़ की जानकारी जल्द ही आपको मिल जाएगी। आने वाले समय में सभी बीसी सखी और मनरेगा मित्र और ग्राम पंचायत सहायक को बहुत कुछ मिलने वाला है। इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, अगर आप आठवें वेतन आयोग के तहत आप अपनी सैलरी या मानदेय को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाले भविष्य में आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिल सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं।